जैन साथियों, जय भारत, जय फूले। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले कई दिनों से लगातार मेरे साथ संघर्ष में भागीदार हैं और जुड़ रहे हैं। मैं इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मैं ऑन द वे हूँ, सफर में हूँ और एक कार्यक्रम के रिगार्डिंग अभी नारनौल जा रहा हूँ। रास्ते में नेटवर्क की समस्या है, इस वजह से आपके बीच में जुड़ाव कम हो रहा होगा शायद, लेकिन इसी बीच में आपका बहुत लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है लगातार। इसलिए मैं तमाम साथियों को यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ें। आज आपके बीच में एक बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए तो आप लोगों का हमेशा मेरे प्रति बहुत सारा प्यार और स्नेह रहा है, और पिछले लगातार 10 सालों में मैं देख रहा हूँ, जब 2014 में हम शुरुआत की थी और 2015 में 27 दिसंबर 2015 को हमने एक युवा सम्मेलन बुलाया था, वह तब से लेकर आज तक जब जब मैंने आह्वान किया आप सब लोगों ने उसका स्वागत किया। और उम्मीद करता हूँ कि फिर आज हम एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर मैं सिलाई के बीच में जुड़ा हूँ, आप सब लोग इस मेरी बातों पर सहमत करेंगे। साथियों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 15 सितंबर को हमने हल्ला बोल रैली की और हम में से बहुत साथी जेल भी गए। यहाँ तक कि मेरे परिवार की बात करूँ, मेरे खुद के परिवार में मैं और मेरा एक भाई और दो भतीजे, चार लोग हम मेरे घर से जेल में गए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। इसके साथ साथ पूरे राजस्थान से बात करूं, वहां से टोटल 84 लोग हम जेल में गए थे। उसके बाद में हमारी 5 मांगों पे सहमति बनी थी, लेकिन देखा जाए तो अभी तक नहीं हो पाई है। इसलिए आज फिर हम एक बार मजबूरीवश ये कदम उठाना पड़ रहा है। साथियों, मैं इस बीच में बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने इस आंदोलन को गलत दिशा में रुख मोड़ दिया था, जिस वजह से शायद हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई हो, या जो मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं हो पाई। इसलिए वापस एक बार मैं आप सभी लोगों को आह्वान करता हूँ कि ये वापस एक बार तैयार हो जाइए, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे होश के साथ अब की बार ये लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई में हम विजयी होकर आएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि जब जब हमने आह्वान किया है तो हम कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, और लेकर आने के साथ साथ में हमें कुछ बहुत कुछ मिला भी है, ऐसी कोई बात नहीं। आज हमें बहुत कुछ मिला है कि सबसे पहली बात यह है कि हम इकट्ठे होने लग गए, वरना आज़ादी के 75 साल बाद में हम कभी इकट्ठा नहीं होते थे। आज हम सब लोग इकट्ठा होने लगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत की बात है। अब इस इकट्ठे होने वाली ताकत को मजबूती के साथ में एकता के सूत्र में बांधना है। इस एकता के सूत्र में हम जब बांधेंगे, जब हम सब लोग सब मिलकर एक सही दिशा में काम करेंगे और सही दिशा में हमारी आवाज उठाएंगे। मैं आगे का मैसेज देना चाहूं, उससे पहले मैं तमाम हमारे क्रांतिकारी वीर योद्धाओं को कहना चाहता हूं, जो भी भाई मुझे देख रहे हैं, आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूबर हो, या आपके पास जो भी ग्रुप्स हैं उनमें आप मुझे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करें, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों तक मैसेज बहुत लेट पहुंच पाता है, जब तक हमारा काम कंप्लीट हो लेता है। लेकिन मेरे साथियों, जो मैं आज इस लड़ाई के माध्यम जो बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई शुरुआत होने वाली है, और शुरुआत होने से पहले आपको पता है कि आपको बहुत बार पिछली बार की जैसे फिर बरगलाया जाएगा, आपको अनेक प्रकार में भ्रांतियां डाली जाएंगी, आपको अनेक प्रकार से गुमराह किया जाएगा, आपको अनेक प्रकार से तोड़ा जाएगा, लेकिन आप सब लोग पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ में जुड़े रहना, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग हर बार की जैसे पूरी ताकत और पूरे जोश के साथ अपनी लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, ये लड़ाई अब की बार फिर हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की है, क्योंकि पिछले इतने दिन से संघर्ष कर रहे थे, चाहे वो हमारे माननीय मुरारी लाल जी भाई जी हों, उन्होंने दो दो बार हाईवे जाम किया, उनके नेतृत्व में हमने जाम किया, चाहे इसे जितने भी क्रांतिकारी युवा साथी हैं, मैं सबका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्योंकि
सारे भाई क्रांतिकारी हैं, क्योंकि किसी का छूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। और जितने भी लोग हैं जो किसी भी ना किसी प्रकार से सपोर्ट कर रहे थे, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आज इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हम सब लोगों को मिलनी चाहिए, लड़कर मिलनी चाहिए। यह लड़ाई फिर हम सब लोगों को मिलकर लड़नी चाहिए, और हम मिलकर लड़ेंगे तो हम जीत निश्चित होगी। अब की बार जो एजेंडा हमने जो बनाया है, मैं उसको ब्रीफिंग कर देता हूँ आपको, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साथियों, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि हमें उन लोगों की आवश्यकता कतई नहीं है जो बीच में मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। पिछली बार भी हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि जो मैदान में छोड़ छोड़ के भाग गए थे किसी न किसी बहाने से, और आज वो लोग चंद पैसों में बिक जाते हैं और आरोप हमें पे, हमारे पे लगाते हैं। मैं सोचता हूं आखिर ऐसा क्यों है यार, क्यों बिकते हो चंद पैसों में? क्या कौम से बड़ा है? हम कभी नहीं बिके। मैं लगातार कहता हूं कि मैं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी बूंद, मेरे रक्त की एक एक बूंद चाहे मुझे बहानी पड़े या मुझे मेरी गर्दन कटवानी पड़े, लेकिन मैं आपके मान सम्मान को झुकने नहीं दूंगा। ये मैंने आपको बार बार कई बार अवगत कराया है, और आज फिर इस लाइव के माध्यम से बता रहा हूं, मैं आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप भाइयों से भी कहना चाहता हूं, साथियों, फिर हमने बहुत मेहनत से आज यहां तक खड़े हुए हैं, आज फिर हमें तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, गुमराह करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ चंद लोग जो कुछ पैसे लेकर फेसबुक व्हाट्सएप पर हमारा गलत प्रचार भी करेंगे, ऐसे बहुत सारी कहानियां होगी, लेकिन आप सब लोगों को इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इनसे सतर्क रहेंगे तभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग बरगलाएंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कतई नहीं करना है। मैं आपको इसके बीच में एक उदाहरण देता हूं। आज से लगभग 2015 के अंदर एक आंदोलन हुआ था, जैन समाज का एक आंदोलन हुआ था, हम उसी थीम पर ही आंदोलन करने जा रहे हैं। और वो थीम, जब मैं उस आंदोलन के बारे में आज मैंने जब पढ़ा, पिछले कई दिनों से मैं उसके बारे में पूरा रिसर्च किया, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि उन लोगों ने मात्र 6 घंटे में अपनी विजय श्री हासिल कर ली थी, और आज वही विजय श्री हम भी हासिल करना चाहते हैं। तो आज मैं जब जैन समाज के आंदोलन के बारे में बता रहा हूं आपको, उनकी लड़ाई थी एक संतरा प्रथा को लेकर, संतरा प्रथा सरकार ने उसको पाबंद कर दिया था, लेकिन वो उसको चालू रखना चाहते थे, इसलिए पूरे राजस्थान के जो जैन समाज के लोग हैं वो जयपुर में पधारे, और पधार कर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, मौन धारण किया, और वो जहां थे वहीं आकर बैठ गए। आप सोचिए क्या, जयपुर की तमाम सड़कें, तमाम रोड़े, तमाम चौराहे चारों तरफ से उन्हीं लोगों के थे, वो लोग शांति से बैठे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, और उसी थीम पर यह आंदोलन होगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक, एकदम साइलेंट हम जब तक बैठेंगे। और उन लोगों ने जब तक आंदोलन किया मात्र लगभग 6 से 8 घंटे वो खड़े रहे या बैठे रहे, कुछ भी नहीं बोला, और 8 घंटे के अंदर उनका सॉल्यूशन हो गया। आप ये सोचिएगा, अगर हम लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, और अगर इतनी बड़ी संख्या हम जयपुर कूच करते हैं, और कूच करने के बाद में जहां भी हो, क्योंकि वहां पे कोई माइक नहीं होगा, कोई मंच नहीं होगा, कोई माला नहीं होगी, कोई सापा नहीं होगा, कोई कुछ, किसी के पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक मैसेज होगा कि आप जहां भी आए हैं, जैसे भी आए हैं, वहीं पर आप बैठ जाएं। साथियों, यहां कुछ भी नहीं है, ये आंदोलन एक सिस्टमेटिक होगा और सिर्फ हवाओं के साथ होगा। बस आपको ये मैसेज ध्यान रखना है कि हमें जंग जीत कर जानी है, और वो जंग जब तक नहीं जीतेंगे जब तक हम शांति से बैठना नहीं सीखेंगे। याद रखना, चाहे 1 दिन बैठना पड़े, चाहे 2 दिन बैठना पड़े, चाहे 3 दिन बैठना पड़े, हमें बैठना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ शांति से। लोग हमें कितना ही गुमराह करने का प्रयास करें, लोग हमें कितना ही तोड़ने का प्रयास करें, लोग हमें कितना ही अग्रेसिव करने का प्रयास करें, लेकिन याद रखना, जो ताकत शांति में है, जो ताकत अहिंसा में है, जो ताकत बैठने में है, वो ताकत दुनिया की किसी भी आंदोलन में नहीं है। और ये आंदोलन
आपका स्वयं का है। इस आंदोलन को बिगाड़ना नहीं है किसी भी हाल में। पूर्व में भी हमारे आंदोलन को अनेक प्रकार से लोगों ने बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन आप सब कार्यकर्ताओं की हिम्मत थी, आपका जोश था कि आपने इस कार्यक्रम को किसी भी प्रकार से बिगड़ने नहीं दिया। मेरे क्रांतिकारी साथियों, आज ये वीडियो मुझे पता है लाखों लोग देखेंगे, ये वीडियो लाखों लोग देखेंगे, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, राजस्थान सरकार हमारी है, राजस्थान का मुखिया हमारा है, राजस्थान हमारा परिवार है, राजस्थान का हर व्यक्ति हमसे अपेक्षा रखता है। हमने जितने भी आंदोलन किए किसी का नुकसान नहीं किया, एक पत्ते का नुकसान नहीं किया किसी का, चाहे वो जयपुर का आंदोलन हो, विधानसभा घेराव हो, चाहे वो 15 सितंबर का हल्ला बोल रैली हो, चाहे वो NH 8 भरतपुर का जाम हो, किसी का भी नुकसान नहीं किया हमने। लेकिन हमें क्या मिला? उसके बदले में मिला हमें मुकदमे ही मुकदमे, लाठियां ही लाठियां और जेल, और हमारे कितने ही क्रांतिकारियों के पैर तोड़ दिए गए। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? तारीखों पे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो हमारा विरोध करते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन उनको क्या पता वो घर में बैठकर हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ उल्टा सुल्टा लिख सकते हैं। और मैं आप क्रांतिकारियों को कहना चाहता हूं, आपका काम यही है कि उन लोगों को जो चंद पैसे में बिककर हमारे लिए उल्टा सुल्टा लिखने वाले लोग हैं, उनका मुंह तोड़कर जवाब दें। और अगर किसी मेरा नाम लेकर लिख रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, ये स्पष्टवादी हैं। अब की बार मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ। वो चंद पैसे लेकर हमारे ही कौम के लिए, हमारे ही कौम के होने के बाद में लिखते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे, ये स्पष्टवादी हैं हम लोग, ये मैंने स्पष्ट कह दिया है। इसके साथ साथ मैं कहना चाह रहा हूं, अब आंदोलन के बारे में बता देता हूं। आंदोलन की शुरुआत आज और अभी से शुरू हो चुकी है, अभी से बिगुल बज चुका है, याद रखना मेरे साथियों, आंदोलन की शुरुआत अभी से 7 बजे से ही शुरुआत हो चुकी है, आज से आंदोलन चालू हो चुका है। अब इसको कैसे मैनेज करना है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सब भाइयों की जिम्मेदारी है, आप सभी बब्बर सिरों की जिम्मेदारी है। ये आंदोलन सिस्टमेटिक चलेगा, क्योंकि इस आंदोलन को बहुत सारे लोगों ने कुचलने का प्रयास किया और सरकारों तक और पार्टियों तक हमारा गलत मैसेज दिया गया, लेकिन हमने किसी का पत्ते का नुकसान भी नहीं किया, हमने किसी का पत्ते का नुकसान भी नहीं किया। और फिर जयपुर जाएंगे और बड़ी संख्या में जाएंगे, बड़े जन सैलाब के साथ जाएंगे, पूरे जोश के साथ जाएंगे और पूरे जुनून के साथ जाएंगे, लेकिन किसी का पत्ते का नुकसान भी नहीं करके आना है, ये मेरा स्पष्ट चेतावनी है। चाहे आप आना ही मत, ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है हमें जो किसी का नुकसान करने आएंगे वहां पे, हमें बिल्कुल भी ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो वहां किसी का नुकसान करने आए। हम सिर्फ शांतिपूर्वक बैठेंगे वहां पे, चाहे एक दिन बैठे, चाहे 2 दिन बैठे, चाहे 4 दिन बैठे, चाहे 10 दिन बैठे, हम सिर्फ शांति से बैठेंगे वहां पे। आंदोलन का पहला चरण होगा, मैं आपको बता देता हूं, आज से आंदोलन चालू हो चुका है, पहला ज्ञापन हम 20 जुलाई को देंगे सरकार को, हमारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हर जिला हेडक्वार्टर पर, हर तहसील हेडक्वार्टर पर यह पहला ज्ञापन राजस्थान सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें यह आंदोलन फिर एक बार दोबारा स्टार्ट करना पड़ रहा है, इसलिए फिर एक बार सरकार को हमारी जो 11 सूत्रीय मांगे हैं वो उनको बताएंगे और हमें क्यों चाहिए उसकी पूरी ड्राफ्टिंग कर सरकार तक पहुंचाने का काम आप सब लोग जिला कलेक्टर और तहसील SDM के साथ ये पहुंचाने का काम करेंगे। ये पहली शुरुआत होगी 20 जुलाई को। उसके बाद में 1 जुलाई को अगर सरकार नहीं सुनती है तो 1 अगस्त को हम लोग सरकार को चेतावनी पत्र भेजेंगे, वो भी पूरे राजस्थान के माध्यम से ही जाएगा, क्योंकि इस आंदोलन, क्योंकि अंतिम आंदोलन की लड़ाई नहीं है, ये चाहते हैं पूरा सिस्टमेटिक आंदोलन हो और व्यवस्थित आंदोलन हो। सरकार को यह लगना चाहिए कि वास्तव से इन लोगों को आवश्यकता है। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था, बीच में बात कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि गुजर समाज को आंदोलन 5% आरक्षण उन्होंने दिया है, मैं उनकी वीडियो है, मैं कल आपको डालूंगा, वो भी आप जरूर देखना। तो 1 अगस्त को पूरे राजस्थान के अंदर चेतावनी पत्र देंगे, उसके बाद में अगर सरकार नहीं जागती है तो 10 अगस्त को
10 अगस्त को जयपुर कूच करना है, मुख्यमंत्री हाउस कूच करना है, मुख्यमंत्री हाउस कूच करेंगे 10 अगस्त को, याद रखना, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, 10 अगस्त को हम मुख्यमंत्री हाउस कूच करेंगे। और जितने भी क्रांतिकारी युवा शक्ति हैं, जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी मेरे बब्बर शेर हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आज से, अभी से तैयारी चालू कर दें। और मैं आपको फिर बता देता हूं, वहां आपको गरीबी नहीं मिलेगी, ना माइक मिलेगा, ना मंच मिलेगा, और ना ही कुछ और मिलेगा। तुम ये सोच रहे हो तुम्हें कोई माड़ा पिराएगा, सांप पिराएगा, हमारे पास कोई सामान नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपको अपने खुद के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए आओगे, आपके अधिकारों के लिए आओगे। अब आपकी मर्जी है कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें या नहीं रखें, आप आओगे या नहीं आओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारा मकसद यही है कि हम हमारे हक और अधिकार लें और ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचकर मुख्यमंत्री हाउस कूच करें, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधी बात करेंगे। क्योंकि अब तक हमने मुख्यमंत्री जी के हाउस में बहुत बार फोन लगा लिया, बहुत लेटर दे दिए, ज्ञापन पे ज्ञापन दे दिए, पता नहीं कौन सा ज्ञापन देते हैं हम लोग, जो उससे अधिकारी हाथ हाथ पूछते हैं और फेंक देते हैं। क्या पता माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती है एक बात, नहीं पहुंचती, ये भी नहीं पता हमें। लेकिन अगर हम वहां जाएंगे तो 100% पूछेगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसलिए मेरे भाइयों, और मैं सरकारों को फिर कहना चाहता हूं, हमें हल्के में बिल्कुल भी ना लें, हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें। ध्यान रखना, चुनाव सामने है, पता नहीं हमारा तो क्या भविष्य होगा ये पता नहीं, लेकिन तुम्हारा भविष्य हम खराब कर देंगे, ये स्पष्ट चेतावनी है। आप हमसे बात कीजिएगा, हम शांतिपूर्वक बात करना चाहते हैं। बड़े शर्म की बात है आपकी, आप पिछली बार हम जयपुर गए तो लाठी बाटे डंडों के साथ स्वागत करते हो आप हमारा, मुकदमे दर्ज करते हो हम पे, और आज हमारे युवा तारीखों पे तारीख जाते हैं, और आप जो ये कानून बनाते हैं वो एसी में बैठ के मजे करते हैं। ऐसे कब तक चलेगा? कोई हम अपराधी हैं, कोई आतंकवादी हैं, कुछ गुंडे हैं, कोई गलत काम किया, किसी का पत्ते का भी नुकसान नहीं किया, लेकिन आपने हमें उकसाया, आपने उकसाया। इस सब का जिम्मेदार आप हैं, सरकार है इसका जिम्मेदार। इसलिए मैं फिर मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, हमें बरगलाने की आवश्यकता नहीं है, हम शांतिपूर्वक बात करना चाहते हैं, हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं। हमने आपको टाइम दे दिया है 10 अगस्त का, 10 अगस्त को मुख्यमंत्री हाउस कूच करेंगे, याद रखना। इसी के साथ लाइव देख रहे हैं जो तमाम साथी हैं, मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं, जबरदस्त उत्साह के साथ जुड़ जाइए मेरे साथियों, पूरे जोश के साथ जुड़ जाइए, फिर हम जयपुर कूच करने वाले हैं। लेकिन याद रखना, इस आंदोलन में वही लोग आएंगे जो वहां पर 2-3 दिन बैठ सकते हैं, अगर जो नहीं बैठ सकता है तो उसकी आवश्यकता हमें आज भी कतई नहीं है। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है जो कि वहां किसी ना किसी प्रकार का नुकसान करने हैं। वहां आंदोलन में बैठना पड़ेगा, आंदोलन में हर हाल में आपको बैठना पड़ेगा, जब तक आंदोलन चलेगा जब तक आपको बैठना पड़ेगा। जब तक तुम बैठोगे नहीं, जब तक हमें हमारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी तो बैठना ही नहीं सीखे हम लोग, अरे 1 दिन नहीं 4 दिन बैठने पड़ सकते हैं। अभी एक आंदोलन चल रहा था हमारे नर्सिंग कर्मियों का, 85 दिन वो बैठे रहे, तो हम क्या 2 दिन नहीं बैठ सकते, शांतिपूर्वक नहीं बैठ सकते? यही बात होगी वहां पे, अगर लाखों युवा, लाखों लोग, लाखों बहनें अगर जयपुर में बैठ गई तो राजस्थान सरकार 2 घंटे में फैसला कर देगी हमारा। आप सोचिए, जब जैन समाज ने मात्र 6-8 घंटे के बीच में फैसला करवा लिया, तो क्या हम कमजोर हैं? हम कमजोर हैं क्या? और वहां जो भी व्यक्ति आए वो एज ए वॉलंटियर के रूप में आएगा, वो ये ना सोचे कि मुझे कोई समझाएगा कि बैठने के लिए। बीच में हम लगातार लाइव के बीच में जुड़ते रहेंगे, लगातार चर्चाएं करते रहेंगे, लेकिन याद रखना, वहां मैं फिर बता रहा हूं, ना मंच होगा, ना माइक होगा, ना जाजम होगी, ना आपके लिए दरी होगी, ना टेंट होगा, क्योंकि हमारे पास तो व्यवस्था ही वो ही नहीं है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं साथियों। मैं तो रोड पे दखी खाने वाला हूं, एक किसान का बेटा हूं, मैं आपकी आवाज को उठा रहा हूं, वही मेरे लिए तो काफी है।
हमें नहीं करना किसी से चंदा उंदा इकट्ठा, हमें नहीं करना किसी से पैसे नहीं मांगने। जो व्यवस्था करने वाले होंगे वो अपने आप वहां खाना खिला देंगे, खिलाए तो ठीक है, नहीं दो दो दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं भी दो दिन नहीं खाना खाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? और आप नहीं खाओ तो क्या फर्क पड़ता है? अगर जंग जीत के आए तो इतिहास याद रखेगा, ध्यान रखना। इसी के साथ जय फूले, जय हिंद, जय भारत। फिर मैं सफर में हूँ और कार्यक्रम में जा रहा हूँ, अभी मैं बहरोड पहुंच चुका हूँ, बहरोड से लाइव आ रहा हूँ मैं, और कुछ देर में मैं नारनौल पहुंचने वाला हूँ। और मेरे साथियों, मैं आपसे इतनी अपेक्षा करता हूँ, जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, जितने भी मेरे बब्बर शेर हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आज अभी से सोशल मीडिया पे लग जाएं, पूरी ताकत के साथ लग जाएं, अपने अपने प्रकार से बैनर्स होर्डिंग लगाएं और सरकार को अवगत कराएं कि फिर हम आ रहे हैं और अब की बार हम बैठे रहेंगे, चाहे से आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे से बबंडा आए, लेकिन हम हिलेंगे नहीं, हम बैठे रहेंगे। आपकी चाहे कितनी लाठियां पड़े, चाहे कितने डंडे पड़े, चाहे हमें कोई सी जेल में भेज दें, लेकिन हम वहां से उठने वाले नहीं है। हम शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी, हम तो सिर्फ हमारे अधिकारों की और मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय फूले। मिलते हैं मेरे क्रांतिकारी साथियों पूरे जोश के साथ में जल्दी। याद रखना, 20 तारीख को हमारा ज्ञापन पत्र होगा, 1 अगस्त को चेतावनी पत्र होगा और 10 अगस्त को जयपुर कूच होगा। याद रखना, उसी 15 अगस्त को सरकार दे देगी तो ठीक है, बहुत अच्छा चलेगा, नहीं वरना वहीं से कुछ नई रणनीति बनाएंगे। जय जय फूले।